हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में आए हैं। आज बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर बताया जाता है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों से पहले के समय का ये मंदिर बनाया गया है और यहाँ से लोग, ये विश्वविख्यात मंदिर बताया जाता है, पूरे वर्ल्ड में इसका काफ़ी नाम है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए हम लोग बाहर से ही इसको शूट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है और ये इसका प्रीमिसेस भी आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रीमिसेस भी है काफ़ी सुंदर है, जहाँ पर पूजा पाठ का अलग से पंडाल है, जहाँ की पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। अच्छा माहौल है, बिल्कुल एक आपको लगेगा टिपिकल धार्मिक माहौल। इंडियन कल्चर के हिसाब से बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पीछे एक बात, ख़ास बात है, ये मंदिर जो है ठीक गंगा, जो गंगा का तट है उसके बिल्कुल पास में है। हम लोग देख सकते हैं कि गंगा की तरफ जाते हुए कि यहाँ पर ये जो प्रीमिसेस है हमारा, जहाँ पर पूजा पाठ का सामग्री भी मिलता है, वहीं से एक रास्ता इसके साथ ही गंगा की तरफ भी जाता है। तो हम देख सकते हैं उस गंगा की ओर जाते हुए ये रास्ता। यहाँ हम दूर से भी दर्शन कर सकते हैं कि गंगा का, ये लोग अपनी श्रद्धा से भरपूर होकर यहाँ पर गंगा का भी दर्शन कर लेते हैं और मंदिर का भी दर्शन करते हैं। काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर एक पेड़ है पीपल का और ये गंगा का तट के लिए रास्ता जाता हुआ हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर। और ये सी मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा तालाब है, जहाँ पर लोग जो है श्रद्धा से भरपूर होकर अपना पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें कर लेते हैं। हालांकि ये पुराना हो चुका है काफ़ी, तो पानी भी ज़्यादा नहीं रहता इसमें और जिसकी वजह से लोगों का आना जाना कम है, तो साफ़ सफाई की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो ये रास्ता प्रांगण से होते हुए पीछे की तरफ से हम लोगों का गंगा के तट की ओर जाता है। यहाँ से हम लोग दूर से ही देख सकते हैं कि गंगा की विशालता कितनी बड़ी है। यहाँ पर बड़ी मान्यता है यहाँ पर गांव को, गंगा को लेकर, माफ़ कीजिएगा। ये हम लोग जो ब्रिज देख पा रहे हैं, इसमें इस ब्रिज को बाली ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ठीक गंगा के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता हुआ एक पुल पर बना हुआ है, पुल सा बना हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं गंगा अपने उफानों पर है, बहुत दूर तक बहती हुई, काफ़ी दूर से आती हुई। काफ़ी अच्छा मौसम है, रिमझिम बारिश बीच बीच में पड़ रही है और बहुत ही सुंदर मौसम आज के लिए।